दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रैटर स्नेक की पूंछ के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कि वो कुछ इस तरीके की आवाज निकालते हैं। कुछ रिसर्चर्स द्वारा इसकी पूंछ को ब्लेड की मदद से काटा गया और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुदरती तरीके से मरे सांप की पूंछ का इस्तेमाल किया गया था। जब पूंछ को दो हिस्सों में काटा गया तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। असल में दोस्तों, रैटर स्नेक की पूंछ प्लास्टिक टाइप मटेरियल जैसी होती है जो अंदर से खोखली होने के साथ साथ कुछ इस तरीके की लेयर से जुड़ी होती है और जब पूंछ को हिलाया जाता है तो ये लेयर्स आपस में टकराती है और उत्पन्न करती हैं।